क्या ओम प्रकाश राजभर को लग सकता है बड़ा झटका? क्या ओम प्रकाश राजभर के 3 विधायक थामेंगे बीजेपी का हाथ? ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि हमारे 3 विधायक हमारे साथ हैं। सभी सवालों के देंगे जवाब। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को एक और झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 3 विधायक राजभर से नाराज चल रहे हैं और वे पाला बदल के बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस खबर को अफवाह बताया है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके कहा है कि उनके 3 विधायक चट्टान की तरह सुभाषपा के साथ खड़े हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हम सभी लोग संघर्ष के साथी हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, उनके मंसूबे कायम नहीं होंगे। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सियासी हलचलों में चर्चा हो रही है कि 3 विधायक राजभर से नाराज हैं और वे पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सभी लोगों को बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या ट्वीट किया है और ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि जिस तरह से मीडिया के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, 3 विधायक हमारे साथ पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं। हम सब लोग संघर्षों के साथ ही हैं। भाजपा कितना भी कुछ कर ले, उनके मंसूबे कायम नहीं होंगे। इस बात की तस्दीक राजभर का बयान भी कर रहा था कि जो उन्होंने यूपीए सरकार से हटने के बाद दिया था, उन्होंने कहा था कि जिसको जहाँ जाना है जाए, हम किसी को नहीं रोकेंगे। उधर कुशीनगर से रामकोला के विधायक रामनंद बौद्ध ने भी राजभर और पार्टी से आस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि दलित पिछड़ों और गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले राजभर जी एक महान व्यक्ति हैं, जिसके नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। और रामनंद ने कहा है कि हम गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं, बीजेपी हम लोगों से गुलामी कराना चाहती है। हम सब सुभाषपा के साथ पूरे दमखम के साथ खड़े हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई खबर डालूं आपके पास सबसे पहले बिना किसी रुकावट के पहुंच सके और आप उस खबर को बिना किसी रुकावट के सबसे पहले पा सके। धन्यवाद।